Hi guys, in today's video I will show you how to clean AC filters. Guys, you should clean your filter in every few weeks. Let me show you. First, switch off your AC. क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है. यूज एनी लैडर. ओपन फ्रॉम बोथ साइड. और यहां से सिंपल इसे उठाएं हल्का सा. और फिर इसे बाहर की तरफ खींच लें नीचे की साइड. देखिए कितनी ज्यादा इस पे धूल मिट्टी है. इससे क्या होता है कि आपका एसी जो है फिल्टर जब पूरा ब्लॉक है तो वो एयर सही से नहीं खींच पाता और उसकी वजह से कूलिंग जो है प्रॉपर नहीं होती. ऐसे सेकंड वन वाला जो है हम उसको भी निकालेंगे. सेम उसकी तरीके से इसको पकड़ के हल्का सा ऊपर उठाएं और फिर नीचे के साइड जैसे खींच लें. देखिए अब इन फिल्टर्स को हमें क्लीन करना है. सिंपली पहले तो आप जो डस्ट है उसको किसी भी जगह हल्का सा इसको दीवार या किसी चीज़ पे मार मार के हल्का सा बिना डैमेज के फिल्टर को आप इसकी जो एक्सेस डस्ट है उसको निकाल लीजिए. देखिए एकदम क्लीन हो गया ये. सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले फिल्टर को भी क्लीन कर लेंगे. आप इसको चाहे तो किसी ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं और इसको पानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं. अब मैं दिखाता हूँ कि आप इसको पानी से कैसे वॉश कर सकते हैं. इसको अच्छी तरह साफ कर दें फिल्टर को. ऐसे ही सेकंड वाले भी कर लेंगे. एकदम साफ हो चुका है. जो भी एक्सेस वाटर है उसको हम निकाल लेंगे. हल्का हल्का इसको ऑफ करते हैं.
हमने फिल्टर वॉश कर लिया है पूरी अच्छी तरीके से। अब हम इसको फिल्टर को वापस एसी में जाके अपना फिट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जो फिन्स हैं इसकी, इस पे भी काफ़ी डस्ट होती है। अभी तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ हम इसमें जो ब्रश वाला कोई टूल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो पुराना टूथब्रश हो कोई उसको भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। और फिन्स पे ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये फिन्स जो है ये बैंड हो जाती हैं केयरफुली ब्रश के साथ। अब हम इंस्टॉल करते हैं सिंपल। आप ये साइड में देखिए सॉकेट्स बने हुए हैं दोनों साइड। इसमें आप सिंपल लग के इसको हल्का हल्का सा ऊपर की साइड पुश करेंगे तो ये अपने आप ही अपनी जगह चला जाएगा। उसके बाद इसको सिंपल ये जो लॉक्स हैं इनके अंदर लग के हल्का सा नीचे के साइड पुश कर देंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली फिट हो गया अपनी जगह पे। सेम वे हम दूसरा वाला फिल्टर भी इंस्टॉल कर देंगे। इसके पीछे रहेगा हल्का सा नीचे की साइड पुश कीजिए, हो गया। हम देख सकते हैं ये पूरा फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपल आप इसको इसके कवर को क्लोज कर सकते हैं। और इस पे ऊपर के साइड जो है आप वहाँ पे भी हल्का सा किसी पुराने कपड़े से या किसी से डस्ट जो है रिमूव कर सकते हैं कवर के ऊपर और साइड्स में जो है। कवर क्लोज कर दीजिए दोनों साइड से। आपको हल्की सी लॉक होने की आवाज आएगी, मीन्स आपने परफेक्टली इसको क्लोज कर दिया है। अब आपका एसी परफेक्टली रेडी है एकदम। आपने फिल्टर क्लीन कर दिए हैं, अब आपको ये अच्छी कूलिंग देगा, बेटर कूलिंग देगा, इसलिए आप एटलीस्ट 15 डेज में अपना फिल्टर क्लीन करते रहें, क्योंकि आजकल डस्ट बहुत है हर साइड, कंस्ट्रक्शंस चलते हैं, डिपेंड करता है वैसे आप किस एरिया में रहते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।